और दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमान, हम ये तो नहीं कह सकते अपने हिंदू भाइयों से, अपने अहले सुन्नत भाइयों से कि हम उनका इस जुलूस में खैर मकसद करते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान नहीं है, वो तो हुसैन की माँ के मेहमान है, वो तो शहजादी आलमियान के मेहमान है। हाँ, हम उनके शुक्रगुजार जरूर हैं, हम हुकूमत उत्तर प्रदेश के भी शुक्रगुजार हैं, हम हुकूमत हिंदुस्तान के भी शुक्रगुजार हैं कि वो न सिर्फ ये कि हमारे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हमारे जुलूसों में शाना बशाना शामिल भी रहते हैं और होना भी चाहिए। मैं तमाम जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जो लोग सुन रहे हैं, तमाम फिक्र को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको एक दावत देना चाहता हूँ कि देखो दरे हुसैन पे मिलते हैं हर तरह के लोग, ये इतिहाद का मरकज है आदमी के लिए, ये इतिहाद का मरकज है आदमी के लिए। प्रशासन को मैं दावत देता हूँ, मैं दावत दे देता हूँ कि हुसैनी कारवां में शामिल भी हो, हुकूमत के लिए कहता हूँ हुसैन के जुलूसों पे कभी पाबंदी नहीं देना। मैं सीएम आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मेरा पैगाम देना चाहता हूँ, हुसैन के जुलूस पे पाबंदी नहीं होना चाहिए, बल्कि पलचर तमाम हुकूमत हिंदुस्तान को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 1400 साल से हुसैन का गम ही एक ऐसा गम है जो आतंकवाद पे काली सर्प है। हिंदुस्तान के हालात पड़ोसी मुल्क जैसे न होने पाए तो उसे चाहिए कि हुसैन के मजलूस को ज्यादा से ज्यादा फरोग दे, ताकि जहां जहां हुसैन का तस्करा होगा, जहां जहां जमीनें होंगी, जहां जहां आलम होगा, जहां जहां जुलूस होगा, वहां वहां इस इज्जत पलटने नहीं पाएगी, वहां वहां इस इज्जत सर नहीं उठाने पाएगी। और यजीदियत नाम है आतंकवादी फिक्र का, यजीदियत नाम है दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी का। और अगर हिंदुस्तान का मुल्क ये चाहता है तो फिर उस आतंकवादी के मुकाबले में इस जुलूस को ज्यादा से ज्यादा फरोग देना होगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों की नजर है, वकील साहब भी मौजूद है, जो लोग मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ मेरा अपना का जुमला है, अपना जुमला नहीं है, बल्कि अभी मीडिया में एक स्टेटमेंट आया था, रांची के एसओ ने ये बात कही थी, मुसलमान नहीं था, शिया नहीं था। अब तो मसला ये है कि जो भी अहले बैत के फजाइल पढ़ते लोग समझने लगते हैं शिया होगा। अजीब हाल ये है कि शियों की दुश्मनी में इतना आमादा हो गए हैं, बाज अहले सुन्नत शियों की दुश्मनी में अहले बैत की दुश्मन हो गए हैं। मैं कहते हुए इतना ज्यादा बात है, शिया 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 शिया, उनको पता ही नहीं कि उनकी असली अहले सुन्नत की पहचान क्या है। ऐसे ऐसे हराम के फतवे डालकर उनके नाफिस कर देंगे। बहरहाल मुझे वो नहीं जान करना, लेकिन मुझे बताना है कि एसओ रांची ने अपने इंटरव्यू में अपने स्टेटमेंट में कहा था कि दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पुरअमन जुलूस मुहर्रम का जुलूस है। हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं होता है, ये लोग हर तरह से कॉपरेट करते हैं, ये लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं, इनके यहाँ बदामी नहीं पाई जाती, इनके यहाँ पर सुकून नहीं पाए जाते, बड़े डिसिप्लिन में जुलूस का इंतजाम करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हुसैन कल भी अमन पसंद थे, हुसैन वाले आज भी अमन पसंद। याद रखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू को
हल कर दिया है, पहले क्या किसी ने किया नहीं है, लेकिन जरूरी बात यजीद मैं अपने हिंदू भाइयों को अपने एड्रेस में भाइयों को बता दूँ।